जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सलमा खातून जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सलमा खातून जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गुड्डू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पेड़ जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम हर एक पंचायत में जाकर वहां के प्रत्याशियों से मिल रही है और उनके सोच को उस पंचायत के हर जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो जैसा कि धनौती पंचायत का हर एक अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से यहां के जनता तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव 29 तारीख को हैं, चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज हो चुकी है और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह भी आवंटन कर दिया गया है और सारे प्रत्याशियों का अपना अपना चुनाव चिन्ह मिल चुका है और वही चुनाव चिन्ह लेकर जनता के समक्ष ये लोग जा रहे हैं और उस बटन पे दबाने का अपील कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं धनौती पंचायत के क्षेत्र संख्या 8 से जो BDC प्रत्याशी हैं सलमा खातून, उनके पति गुड्डू मियां हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनका चुनाव का तैयारी कहां तक पहुंचा है और कौन सा चिन्ह इनको मिला है चुनाव आयोग द्वारा और किस पे बटन दबाना है, आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है गुड्डू जी हमारे चैनल पे। धन्यवाद, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से धनौती पंचायत के क्षेत्र संख्या 8 के सारे जनता जनार्दन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमस्कार करता हूँ। तो 29 तारीख को चुनाव है, आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है और क्या अपील करते हैं आप जनता से? मेरा चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है। कितने नंबर पे? क्षेत्र क्रमांक संख्या 5 है, EVM में सबसे नीचे है मेरा और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि हमको भारी मतों से जिताएं और जो भी हमसे काम हो वो बेगर किसी स्वार्थ को उसको लाभ उठाएं उसका। एक चीज है गुड्डू जी के जो भी प्रत्याशी हैं चुनाव में BDC के पद पे वो सभी यूथ हैं, उसमें बहुत सारे यूथ लोग हैं, तो चुनाव क्या आपके लिए आसान हो पाएगा? बिल्कुल आसान है, हम शुरू से जनता के बीच रहे हैं और मेरा पकड़ जनता में हमेशा बनी रही है और चुनाव के माध्यम से नहीं, मैं ऐसे भी सारे जनता को अपने बलबूते पे जनता को मैं हेल्प करता हूँ। मेरे से जो हुआ है मैं अभी तक उनको हेल्प किया हूँ। तो जनता इतने प्रत्याशियों में 5 प्रत्याशियों में आपको ही क्यों वोट दे? मुझे अभी तो मैंने बोला कि मैं जनता को शुरू से ही मैं जनता के बीच रहा हूँ, जनता का सेवा किया हूँ, मेरे से जो भी संभव हुआ है उस संभव को मैंने आसान किया है जनता के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि जो भी यूथ हैं इस पंचायत का, बुजुर्ग लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, क्या आपके साथ सब लोग आ पाएंगे? जी जरूर आएंगे, अगर उनका आशीर्वाद है मेरे साथ और जो भी जनता का सपोर्ट से ही मैंने खड़ा हुआ हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपना बल पे मैं जबरदस्ती कहा कि मैं प्रचार करूँगा मैं जीत जाऊँगा, ऐसा नहीं है। हमको जनता सपोर्ट की है, सलाह दी है, उसके वजह से मैं आज इस मुकाम पे मैं आया हूँ। तो सारे प्रत्याशियों का अपना अपना दावा है, अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं जनता को लुभाने के लिए, तो आपका क्या मैनिफेस्टो, आप क्या वादा करते हैं 5 साल के लिए इस पंचायत के लिए? सबसे पहला मेरा वादा है कि जो BDC पद है ये बदनाम पद है, इसलिए बिकने के नाम पे जो भी सारे जनता जरंदा और जो जीत जाता है वो यही बोलता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं जीत करके सिर्फ बैठा हूँ और जनता यही बोलती है उसको कि ये अपना वोट बेच दिया। इस मैं कलंक को इस सीट से हटाना चाहता हूँ और मैं जनता को दिखा देना चाहता हूँ कि इस पद का भी गरिमा है, कि गरिमा है इस पद का, इसका यूज करना पड़ेगा तब इसको भी लड़ाई लेना पड़ेगा कि हाँ हमारा भी हक है, हम इसको लेंगे और जनता में अपना विकास करेंगे, जनता को सुविधा देंगे, सबसे पहला मेरा मुद्दा यही होगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप धनौती पंचायत के क्षेत्र संख्या 8 की जनता से क्या अपील कीजिएगा? क्षेत्र संख्या 8 की जनता से मेरी यही अपील है कि हमको अपना प्यार आशीर्वाद दें और भारी मतों से मेरे को विजयी बनाएं। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद है धनौती पंचायत क्षेत्र संख्या 8 से जो भावी BDC प्रत्याशी हैं सलमा खातून, उनके पति गुड्डू मियां, इनका साफ कहना है कि ये चुनाव मैं अपने बल पे नहीं जनता के बल पे लड़ रहा हूँ और जनता के कहने पे ही मैं अपना नामांकन कराया हूँ और 5 सालों से मैं जनता के बीच में रहा हूँ, हर सुख दुख में शामिल हूँ और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5ों प्रत्याशियों में जनता हमको चुने, क्योंकि देखा जाए तो हर एक प्रत्याशी यहाँ का यूथ है, हर एक प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोक रहा है जीत का, लेकिन इनका कुछ अलग सोच है। इनका साफ का नाम है कि मेरा यही मुद्दा है कि जो कलंक लगा हुआ है BDC के नाम पर सर्टिफिकेट बेचने का वो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, उस कलंक को मिटाने का मैं कार्य करूँगा और ये साबित करूँगा कि BDC के
पद से भी कुछ कार्य होता है। जब जनता पहली कार्य देखेगी, पहले कार्य जब होगा पंचायत में बीडीसी के नाते, तब जनता का जो आँख पर पट्टी वो पट्टी भी हट जाएगा और बीडीसी के नाम पे जो कलंक लगा है वो कलंक भी मिटने का काम करेगा। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम धनौती पंचायत का हर एक अपडेट आप तक पहुँचाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।